काजल को पैसे क्यों नहीं दे रहे आप? मेरा सा हाथ चले हैं दहाड़ा बेटे का, इसलिए नहीं दे रहे सर कि हम बेरोजगार है, 7,500 है हमारी इनकम, 30,000 माना है। आई नहीं क्या यहाँ पे वो जी? अभी आई नहीं रिस्पोंडेंट? आ गए रिस्पोंडेंट सर, उनको हमने इन्फॉर्म भी किया था सवेरे, और उसमें तो किसी की हाजिरी नहीं डली। उसमें आ गया उनका राजेंद्र पांडे जी का नाम आ रहा। ये दावा कब तक चलेगा वहाँ? आपका दावा चल रहा है ना वहाँ? हमारा दावा चल रहा सर। काय का दावा चल रहा है? ये डाइवोर्स पिटीशन सर। क्या हुआ उसमें सर? पेंडिंग है डाइवोर्स पिटीशन। कितने साल चलता है डाइवोर्स का केस? अब सर ये तो ट्रायल कोर्ट में चलता है फिलहाल से। मैं हैव टू लुक इन एग्जाम P5। P5 देखे सर, पेज 41। आपने लगाया ना डिवोर्स केस? हाँ हमने लगाया सर। तो आपको पता होगा आपकी गवाही हुई कि नहीं हुई, पता करो आप। गवाही लेकर सर ये तो इसका है मेंटेनेंस का। आप नहीं बताएंगे हमें, कुछ भी नहीं बताएंगे, जो हम पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। बताएंगे सर, पर हमको अभी खुद जानकारी। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? किस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? आई वाज वर्किंग इन द प्राइवेट कॉलेज। उसके बाद सर हमने उसको छोड़ दिया नौकरी, हमने लगाया था। जब छोड़ा था उस दिन की पे स्लिप पेश किया आपने? पे स्लिप सर हमने पूरे स्टेटमेंट लगाए। पे स्लिप पेश की थी सर? वो प्राइवेट कॉलेज वहाँ कोई पे स्लिप तो होती नहीं। हमने पूरा स्टेटमेंट बैंक का लगाया। स्टेटमेंट जो बैंक से सीधे खाते में जाती है। पे स्लिप पेश किया थी नहीं की थी? पे स्लिप पेश नहीं किया था ना उन्होंने किया था। हमारी इनकम उन्होंने 30,000 माना, 60,000 उन्होंने लिखा, और सर पेज नंबर 31 में सर्टिफिकेट है इसको कंसीडर किया। कौन सा सर्टिफिकेट लगाया आपने? पेज नंबर 31 में सर देखे। कहाँ तक पढ़े हुए आप? इंजीनियरिंग किया सर। कहाँ तक पढ़े हो? इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग में आपको कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा आपको? अभी तक तो सर नहीं मिला। तो फिर ठीक है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट रहो आप और पैसे दो। सर इसमें पेज नंबर 31 में देख ली, इसको कंसीडर किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विदाउट एम्प्लॉयमेंट रहो आप, जब कुछ नहीं करना चाहते तो मत करो। जैसे ही मुकदमा लगा और जैसी धारा 24 लगी सो बेरोजगार हो जाते हो आप। जैसी धारा 24 लगे आपको और ज्यादा कमाना चाहिए। हाँ कमाना चाहिए सर, पर वो है नहीं सामने से कोई। जी सर मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, कल के लिए कर दे सर या नेक्स्ट वीक। काय को आएंगे यहाँ? लिख दो आफ्टर दिवाली कर दो। अरे सर अरे मुकदमा वहां निपटाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगले सप्ताह कर दे सर। एक ही पे स्लिप जिस जब आपको जो है जब आप वहां नौकरी में थे कब से लेके कब तक थे? ये सर इसी सर्टिफिकेट में पेज नंबर 31 देखे। और आपको वहाँ पे स्लिप कितनी मिलती थी? पे स्लिप सर 10,000 से कम मिलती थी, इसीलिए हम पूरे स्टेटमेंट P4 फाइल कर दिए सर, पूरा बैंक का स्टेटमेंट। चलो देखेंगे बाद में देखेंगे, आफ्टर दिवाली कर। सर दिवाली न करें, नेक्स्ट वीक करते, बड़े मुश्किल से लगा रिक्वेस्ट में। कहीं बड़े मुश्किल से नहीं, आफ्टर दिवाली रहा। पैसे दो उसको, पैसे दे दिए? पैसे दे रहे हैं सर। पैसे कितना दे रहे हैं? अभी 7,500 का ऑर्डर है। 7,500 का ऑर्डर है तो बराबर दे रहे हो? जी सर बराबर दे रहे, इसीलिए काय के लिए देते? जल्दी से मुकदमा को नहीं निपटाते बोला सर? वो तो कोर्ट को निपटाना है हमारे कार्य। लिख देते एक दो महीने में निपटा देगी कोर्ट। वो तो लिख दे सर, पर इसको देख ले थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसमें सर हमारी इनकम 30,000 माना बिना किसी बेसिस के, जबकि ये एप्लीकेशन कंसीडर किया पेज नंबर 31 में। इसमें सीधे सीधे लिखा कि वर्तमान में सुनीति वारिस महाविद्यालय में कर। इसलिए क्यों नहीं पेश की? चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आफ्टर दिवाली हो गया सर। इसको सर नेक्स्ट वीक कर दे, नेक्स्ट वीक कर दे। अरे नेक्स्ट वीक में कुछ नहीं होने वाला सर, हमने कई बार इसको रिक्वेस्ट किया, कई बार लगवाया। आप ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट लेके आओ, कल बताओ किस स्टेज पे दावा। हम यहाँ से सीधे फोन लगा के उसको बोले कोर्ट को अभी तक केस क्यों नहीं निपटाया आपका? जे जे, कल करते हैं सब कुछ। बताइए ये केस इतने सालों तक क्यों चल रहे हैं? इतने लंबे समय तक क्यों चल रहा है? आप गवाही नहीं दे रहे क्या? हम तो तैयार हैं सर, वहां से वो नहीं आ रही है। आपको पता ही नहीं है अभी आपकी गवाही हुई कि नहीं हुई, आप बताना चाहते हो कोर्ट को? यू आर अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ अपीयरिंग बट आई लॉट सब सेंटेंस में बोलने दो कि नहीं? You are appearing on behalf of husband. You don't know whether husband evidence has been recorded or not. इसका मतलब बेकार है सर। Let him pay. Then I will tell you also tomorrow. आना चाहिए। You should come prepared. क्या स्थिति है ट्रायल कोर्ट की, स्टेज कहाँ तक गई, क्या एक महीना बचा है, दो महीना बचा है, क्या वो क्या उसकी कोई गलती है, लड़के की गलती है, लड़की की गलती, कुछ तो बताओ। जी सर इसके लिए सर नेक्स्ट वीक है? नहीं नेक्स्ट वीक नहीं, आफ्टर दिवाली। पढ़िए।